बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जबरदस्त एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप चैट का पीडीएफ फॉर्म में बैकअप ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपने चैट्स का बैकअप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो बैकअप एक खास फॉर्मेट में होता है। अगर आप चैट्स का बैकअप किसी लीगल या ऑफिस रिक्वायरमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्म में बैकअप चाहिए होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम पीडीएफ फॉर्म में बैकअप ले सकते हैं। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर जाके आपको एक ऐप सर्च करनी है जिसका नाम है WPS ऑफिस। मेरे पास ये ऐप पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने ये ऐप पहले इंस्टॉल करनी है और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जहां दीगर ऐप्स मौजूद हैं वहां पे आपको WPS का ये आइकन मिलेगा। आपने इस ऑप्शन पे नहीं जाना, इस आइकन पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि बैकअप हमें लेना है अपने चैट्स का। तो हम डायरेक्टली व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और व्हाट्सएप में जाने के बाद जिस चैट का आप बैकअप लेना चाहते हैं उस चैट को ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट टॉप पे आपको जो थ्री डॉटेड मेन्यू ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। आपके पास ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा, यहाँ से आपने मोर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ देखिए आपके पास एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन अब अवेलेबल है। आपने एक्सपोर्ट चैट के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि जो बैकअप आप लेना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं चैट को, क्या इसमें मीडिया इंक्लूड होना चाहिए। डेफिनेटली हम पीडीएफ फॉर्मेट में बैकअप ले रहे हैं, इसलिए हम वीडियोस और ऑडियोज को उसका हिस्सा नहीं बना सकते। तो विदाउट मीडिया के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और लीजिए इनिशियलाइजेशन हो रही है आपके बैकअप की। अब इस बैकअप को हमें कैसे अवेल करना है, लेट्स से कि हम जीमेल की मदद से अवेल करना चाहते हैं, तो मैं जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और मैं यहां पे अपना ईमेल आईडी मेंशन करूंगा जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर मैं ये बैकअप रिसीव करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे एक ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूं और ये एड्रेस टाइप करने के बाद मैंने सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया और मेरे पास ईमेल में मुझे इसका बैकअप जो है वो रिसीव हो जाएगा। और चंद ही सेकेंड्स में आपके दिए गए ईमेल एड्रेस पे आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसके साथ एक अटैचमेंट मौजूद होगी। इस अटैच्ड फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है अपने पास और डाउनलोड होने पे आपको टॉप पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो मोबाइल मुझसे पूछ रहा है कि इस फाइल को किस सॉफ्टवेयर के साथ ओपन करना चाहिए। तो मैं इसे ओपन विद ओपीएस ऑफिस के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और लीजिए ये तमाम की तमाम चैट आप देख रहे हैं कि मेरे पास अब पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुकी है।